शक्ति में आपका फिर से स्वागत है। वी विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड एंड अ डिलाइटफुल न्यू ईयर। हमारी जितनी भी सोजो एंड शिलोंग मिनिस्ट्री के फैमिली आप लोग हैं, आपने हमारे साथ दिया है पूरा एक साल, हम आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने क्रिसमस के टॉपिक पे बात करी थी। प्रभु आए थे और उन्होंने हमें एंजल्स से बहुत थोड़ा सा कम दर्जा दिया है, बट स्टिल वी हैव द पावर टू डू एवरीथिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हम न्यू ईयर से पहले रेजोल्यूशंस और प्लान्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन देखा जाए तो हम प्रॉबेबली जैसे एक हफ्ता कर सकते हैं, एक दिन कर लेते हैं, एक महीना, उसके बाद हम वापस अपने भूल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है प्रोवर्ब्स नीति वचन के 16वें अध्याय की पहली 4 आयत है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई हैं, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे प्लान्स और रेजोल्यूशंस, जो हमेशा हम सोचते हैं कि हम करेंगे, तो हम अपने प्लान्स यानी कि संकल्पों और योजनाओं में फेल क्यों होते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं हम? आमतौर पर प्लान बनाते हैं अपने बलबूते पर, अपनी स्ट्रेंथ पे। हम प्लान करते हैं, जोर लगाते हैं और फेल हो जाते हैं, नेचुरल है। फिर हमें ख्याल आता है, ओहो मैंने ये करना था, फिर दोबारा शुरू करते हैं उसी स्ट्रेंथ के साथ, थोड़ा सा और ज़रा जोर लगाते हैं। पहले 2 दिन चला, फिर अभी 1 हफ्ता चल गया, फिर फेल, फिर किसी वक्त फिर होता है, हम ये मन में आता है कि शायद मैंने पूरा जोर नहीं लगाया या मैंने पूरे ध्यान से काम नहीं किया, फोकस मेरा और होना चाहिए, फिर शुरू करते हैं। और इस प्रकार हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं। अब इस स्थिति के अंदर फिर हमारे मन में ख्याल आता है कि शायद मेरे वश में ये नहीं है, मुझे किसी और की सहायता लेनी चाहिए, और हम ये सहायता लेने लग जाते हैं, दूसरे लोगों को ढूंढते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं। पर आमतौर पर हम मित्रों से ये नहीं कहते कि मेरी ये प्रॉब्लम है, हम ये कहते हैं मेरा एक दोस्त है, अपनी बात छुपाना चाहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसकी ये प्रॉब्लम है और वो फेल हो जाता है, कैसे करें उसको, मैं कैसे एडवाइस करूँ। हम इस पर्दे के पीछे से सलाह लेने की कोशिश करते हैं, हम ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं इसका हल बताइए, सूत से किस प्रकार लोगों के पास घूमते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स खरीद लेते हैं, हजारों सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी गई हैं इस अलग अलग चीज़ों पर। लेकिन हम ये सब कुछ करने के बाद में फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और जो विश्वासी हैं, कई लोग तो इस बात पर आ जाते हैं कि शायद परमेश्वर ये नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं इस चीज़ पर जीत हासिल करूँ, और वो फिर उस बात को बताते हैं जो अपोस्टल पॉल ने लिखा है कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बात को निकाला नहीं, और मेरे एक कांटा हर वक्त चुभा हुआ है। और फिर हम कहने लग जाते हैं शायद परमेश्वर ने ये जो परेशानी मेरी है, जो मेरी कमज़ोरी है, ये उसी प्रकार का अपोस्टल पॉल वाला कांटा है, पॉलस रसूल वाला, ये कांटा मेरे से चुभ ही रहेगा। और फिर हम पाप की ज़िंदगी में उसी प्रकार चलने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार हम लगे रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके साथ भी हुआ होगा कभी, तो और मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मैं हमेशा प्लान बनाती हूँ कि चलो इस बार मेरे को जिम जाना है, मेरे को थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, क्वायर दोबारा ज्वाइन करना है, तो मैं सिर्फ रेजोल्यूशन ही बना लेती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ कुछ। तो इसका सही तरीका, इसको सक्सेसफुल बनाने का क्या, सोल्यूशन क्या है इसका? बेसिकली 4 कारण हैं, 4 तरीके हैं। अगर हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं तब हम सक्सेसफुल हैं, अगर उन्हें नहीं करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं होते। और 5वां है, हमारी सक्सेस को पार्शियल या आधी अधूरी रहने से पूर्णताई तक पहुंचाने वाला। अब हम इन 4 तरीकों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहला है परमेश्वर के बिना कोशिश करना। परमेश्वर हमारे साथ, हम उसे लेना नहीं चाहते हैं, उसकी शक्ति को हम लेना नहीं चाहते हैं।
भजन संहिता के आठवें अध्याय की पांचवी और छठी आयत में लिखा है, अगर हम चौथी से पढ़ें, चौथी में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुध ले। आदमी कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, उसकी शक्ति के सामने हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। परमेश्वर यहाँ हिंदी में लिखा गया है, बट दिस इज एंजल्स इन इंग्लिश। और महिमा का प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। अगर हम उसकी शक्ति को लेना नहीं चाहते हैं, उसकी शक्ति के साथ नहीं चलना चाहते हैं, तो हम किसी भी हालत में जीत हासिल कर ही नहीं सकते, हम किसी भी हालत में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और यही प्रॉफिट हबाकुक, अगर हम उसके बारे में देखें, प्रॉफिट हबाकुक ने तीसरे अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर से ही मेरा बल है, मेरे बल की जड़ उससे है, मैं वहाँ से बल पाता हूँ। वह मेरे पांव हरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर हमें चलाते हैं, वही हमें आगे लेके जाते हैं। अगर हम देखें मूसा, जो एक्सोडस निर्गमन की 38वां अध्याय उसकी 15वीं आयत को देखें, तो उसमें मूसा परमेश्वर से कहता है कि हमें आगे जाना है, अभी कनान के अंदर जीत की तरफ बढ़ना है। तो लेकिन क्योंकि इज़राइलियों ने पाप किया था, तो परमेश्वर उन्हें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ स्वर्गदूत भेज दूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो मूसा का जवाब जो है वो बड़ा अद्भुत जवाब है। वो ये कहता है 33वां अध्याय निर्गमन 15वीं आयत में, हे परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं तो हमें आगे मत जाने। क्योंकि मूसा जानता है कि आगे अपोजिशन होगी, परेशानियां होंगी, जो आगे दुश्मन है उसके ऊपर हम जीत पाएँ शायद ना पाएँ। और दूसरा, वो ये जानता है परमेश्वर का जन है, उसके परमेश्वर के साथ चलता है। तो ये कहता है, वो ये सोचता है कि अगर हम चले भी गए, जीत भी गए, सब कुछ हो गया, परमेश्वर साथ नहीं है, तो उसका क्या फायदा। इस प्रकार यहाँ लिखा है 33वां अध्याय निर्गमन 15वीं आयत, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्यों इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों से अलग ठहरे। अगर हम परमेश्वर की शक्ति के साथ चलते हैं तो हम दूसरे लोगों से भिन्न हैं। हमें ये वादा मिला हुआ है परमेश्वर का कि वो ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। मूसा ये जानता है, अगर हम उसकी शक्ति के बिना ट्राई करेंगे तो हम किसी भी हालत में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। तो पहला कारण है, क्या हम परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसे अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे निश्चित कर सकते हैं कि जो भी हम करने वाले हैं या हम करना चाहते हैं उस पे परमेश्वर का हाथ बना रहे, इसका तरीका क्या है। सोलोमन जो राजा, जिसे सबसे बुद्धिमान माना गया है, जो प्रभाव नीति वचन हमने पढ़ा था सोलहवें अध्याय में, हम उसमें देखें, वो उत्तर देता है इसका। पहली आयत और दूसरी आयत में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमतौर पर इसको हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें शक्ति दे दी, हम अपनी प्लान बना लें, मन के अंदर हम जो मर्जी बनाते रहें, उसने हमें ये दे दिया है, लेकिन जो हमने बोलना है वो परमेश्वर की तरफ से होता है। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर ये शक्ति डाली है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्लान बना सकें। शक्ति कौन सी है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की, जो विश्वासी है उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए गए। हम उनकी शक्ति में, उनकी गाइडेंस में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्लान बनाते हैं। फिर उस प्लान को हमने जब एग्जीक्यूट करना है, हमने कमांड आर्मी के अंदर, मैं कमांडिंग मैसियो था, तो
हम किसी को आदेश देते हैं तो परमेश्वर आदेश देने की हमें फिर वो कैसे समझाना है काम करने वाले को, उसकी हमें फिर वो शक्ति देते हैं, ताकि उस शक्ति के अंदर जो काम करने वाला है वो भी समझ सके और ठीक से कर सके। अगर हम यहाँ इस लाइफ के अंदर अगर हम किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किसी के पास लेके जाएंगे, अगर परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ नहीं है तो हम उस प्रोजेक्ट को किसी को बता ही नहीं सकेंगे, वो अप्रूव ही नहीं होगा, तो पहली स्टेज में ही हम फेल हो जाएंगे। उसके आगे लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे एटीट्यूड को देखते हैं। हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें हम अचीव क्या करना चाहते हैं, अपनी महिमा या परमेश्वर की महिमा। अगर परमेश्वर की महिमा के लिए हम नहीं कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार फिलिप्पियों की पुस्तक में अगर हम देखें दूसरे अध्याय में, फिलिप्पियों दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा के अनुसार एज पर हिज विल हमारे मन में ये विचार डाला कि हम ये जो प्लान अभी बनाना चाहते हैं कि हम प्लान कर सकें और इसे हम पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ सकें। फिलिप्पियों 2:13। तो जब हम उसकी इच्छा के अनुसार इस प्रकार करेंगे तो होगा, फिर वो ठीक होगा। अब वापस नीति वचन के 16वें अध्याय के 3री और 4थी आयत में जाए, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। 3री आयत ये है, कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड, उस पर छोड़ दो, उस पर डाल दो। नाउ कमिट जो वर्ड है इंग्लिश में, जो डालना ये लिखा गया है, हिब्रू के अंदर जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है गोल, GOL। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है रोल और रोल अवे, अपने पास से ऐसे रोल कर देना दूसरी तरफ, पत्थर को उधर को रोल कर देना। जो हमारी प्लान है वो बोझ है, एक भारा काम है जो हमसे नहीं हो, अकेले से नहीं होगा, हम उसे परमेश्वर की तरफ लुढ़का दें, उसके ऊपर हम डाल दें। जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो अपना बोझ हम उसके ऊपर उसके ऊपर डालने का मतलब ये है कि वो हमारे साथ परमेश्वर जुड़ गए हैं, पूरा वजन उन्होंने उठा लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। उस योग के अंदर उस जो दो बैल जुते हुए हैं, एक तरफ मैं हूँ दूसरी तरफ परमेश्वर आ जाता है। अब जो बड़ा है उसके ऊपर वजन ज़्यादा जाएगा, मेरे पर तो थोड़ा सा ही रह जाना, तो हमने उनके ऊपर वो सब डाल दिया। उसके ऊपर डालने के बाद में फिर वो कहते हैं, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, तुम्हारी प्लान जो है वो सिद्ध होंगी, वो पूरी होगी, प्लान फिर रुक नहीं सकती। 4थी आयत में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई, जो प्लान हैं वो सब कुछ विशेष काम है, विशेष मकसद है, उसके लिए बनाने का उन्होंने हमारे हाथ में डाला। तो जब हम इस प्रकार अपनी प्लान परमेश्वर पर छोड़ते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, फिर वो हमें शक्ति देती हैं, हमें गाइड करते हैं, तब हम फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब हमने पहला पॉइंट देखा, विदाउट गॉड वी कैन नॉट सक्सीड। दूसरा पॉइंट है, विदाउट गॉड्स वर्ड ऑल्सो वी विल नॉट सक्सीड, उसके वचन के बिना भी हम नहीं जीत सकते। तो उसके वचन को भी जानना, उसमें भी चलना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। आपने जैसे अभी बोला था कि वी कैन नॉट सक्सीड विदाउट गॉड्स वर्ड, तो फिर हम परमेश्वर का वचन या उनके इच्छा के अनुसार कैसे चल सकते हैं या कैसे प्लान बना सकते हैं? परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल हमें दी गई है, इसके अंदर जीने के प्रिंसिपल्स, हमने जीना कैसे है वो इसके अंदर लिखा है, इसके अनुसार हमें जीना, इसके अंदर जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमें जीना, वही परमेश्वर का वचन हमारे प्लान्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर हम देखें उत्पत्ति का पहला ही अध्याय, उसमें धरती बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और काम शुरू हो गया, परमेश्वर का आत्मा वहाँ था,
लेकिन जब तक वचन नहीं आता है वो काम नहीं करते हैं। हमारे अंदर भी परमेश्वर के आत्मा हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब तक हम उनके वचन के अनुसार वचन पर चलने की नहीं कोशिश करेंगे वो हमें शक्ति नहीं देंगे, वो हमें हमारी प्लान को सक्सेसफुल करने में हम इस हमारी सहायता नहीं देंगे। ये मेरा मानना है। अगर हम गिनती का 22वें अध्याय में जाएं, वहाँ पर बलाक है राजा मोआब का, वो बलाम को बुलाता है। बलाम एक प्रॉफिट है, इजरायली उसके इलाके में कैंप करके बैठे हुए हैं बलाक के, और वो बलाम को बुलाता है। 22वें अध्याय की 10वीं और 12वीं आयत में अगर हम देखें तो बुलाया बलाम को, उसने बोला मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं सब कुछ तेरे को दूंगा, धन दौलत दूंगा, तुम आओ और इन इजरायलियों को श्राप दो, इनको तुम श्राप दोगे तो शायद मैं इनको यहाँ से निकाल सकूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, बलाम ने फिर परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकल आया है और उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूँगा। 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने बलाम से कहा, तू उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने बताया कि उन्हें आशीष पहले मैंने दे दिया, तुम उन्हें श्राप मत देना। लेकिन बलाम लालच के अंदर पहुंच जाता है श्राप देने के लिए, लेकिन परमेश्वर के आदेश के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर नहीं सकता, उन्हें श्राप नहीं दे सकता है और वो उन्हें आशीषित कर देता है। इजरायली आशीषित हो जाते हैं। अगर हम वचन के अंदर हैं, वचन के अनुसार हैं, तब हम जीते हैं। तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था परमेश्वर का साथ होना, दूसरा परमेश्वर के वचन का साथ होना, तीसरा पॉइंट है विश्वास के अंदर चलना। हम विश्वास के अंदर प्लान बनाएं, विश्वास के अंदर ही हम चलने की कोशिश करें, तभी हमारी प्लान सफल होगी। अगर हम विश्वास के अंदर नहीं चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम विश्वास के अंदर नहीं हैं, तो फिर वो प्लान हमारी कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो सफलता के लिए और क्या क्या ज़रूरी है, और विश्वास में हम और आगे कैसे बढ़ें? परमेश्वर हमारे लिए बहुत उत्तम चीज़ें ही चाहते हैं। अगर हम उत्पत्ति में जब इंसान को बनाया गया उसको देखें, तो उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन बनाया इंसान को वहाँ रखने के लिए। उस गार्डन के अंदर सब कुछ था, हविल्ला नदी के अंदर अद्भुत बहुत सुंदर सोना भी था, हर चीज़ को परमेश्वर ने, सोना था वहाँ पर, कीमती स्टोन्स जो कि जेम्स थे, और फल फ्रूट सब कुछ था, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। परमेश्वर हमारे लिए आज भी वैसी ही आशीषें चाहते हैं, और प्रभु यीशु भी यही बताते हैं। जो एक इंसान अपने बच्चे को लेके आता है प्रभु यीशु के पास, जिसे मिर्गी की प्रॉब्लम है, उसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है, जो डिसाइपल्स हैं उसे नहीं छुड़ा सकते, तो प्रभु यीशु को वो कहता है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो इसके लिए कीजिए। मरकुस का 9वां अध्याय 23वीं आयत पर फिर लिखा है, कुछ कर सकता है प्रभु, उससे अचंभा करते, तू मुझे ये कह रहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, तो फिर वो कहते हैं, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए सब कुछ वो कर सकता है। विश्वास में अगर हैं तो फिर सब कुछ होगा। हमारे लिए ये लिखा गया है कि हम अलग, जो भिन्न भिन्न तरह के वादे इस किताब के अंदर दिए गए हैं, पवित्र शास्त्र के अंदर दिए गए हैं, हम इन वादों के ऊपर चलें, इन वादों को माने, इनमें यकीन करें। यशायाह नबी की पुस्तक में 49:16 में प्रभु ये कहते हैं परमेश्वर कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो अपने हाथों पर, अपनी तलियों के ऊपर, यहाँ हाथ के ऊपर बना रखी है, और तो योर वॉल्स आर ऑलवेज बिफोर मी, योर बाउंड्रीज आर ऑलवेज बिफोर मी। तो बहुत
तो हमारे ऊपर कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं, और अगर हम यही विश्वास नहीं करते हैं तो फिर कैसे हो। यर्मिया नबी को 29वें चैप्टर के अंदर 11वीं आयत में कहा गया कि मेरी तुम्हारे लिए एक सुंदर प्लान है, और वो प्लान सिर्फ यर्मिया के लिए नहीं, हम सब के लिए है। सुंदर प्लान है जिसमें एक भविष्य है और जिसमें आशा है, अ प्लान विद अ फ्यूचर एंड अ होप। अगर हम ये माने ही ना कि उनकी प्लान है हमारे लिए, तो फिर हम वो आशीष कैसे पाएंगे? तो हम आशीष पा ही नहीं सकते। फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि परमेश्वर हैं, पहली बात वो हमारे लिए आशीष देना चाहते हैं हमें, तीसरा वो हमारे लिए सब कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तभी तो हम विश्वास में जो हमने प्लान बनाई है उनकी प्लान के साथ मैच करेंगे। तो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए चलता कैसे है ताकि हम उसका फल पा सकें, हम रिजल्ट्स देख सकें? ये है हमारा चौथा पॉइंट, ये है प्रेयर। बगैर प्रेयर के प्लान पूरी हो ही नहीं सकती। वही यर्मिया नबी की 29वां अध्याय की 11वीं आयत में तो उसने लिखा है कि मेरी एक प्लान है, 12वीं आयत में वो कहता है तुम मुझे पुकारोगे और मैं उत्तर दूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे पुकारोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। प्लान है, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा। तो वो प्लान को हम पढ़ लेते हैं, 11वीं आयत प्लान है, लेकिन जब हम उसे पुकारेंगे ये नहीं तो प्लान वहीं रह जानी है। अनेकों प्लान सरकार ने हमारे लिए बना रखी है, अगर हम उस प्लान को चलाना ही नहीं चाहते, हम सरकार से संपर्क ही नहीं करेंगे, तो प्लान हमारे लिए लागू कैसे होगी? वो तो आ ही नहीं सकती हमारे पास। यही है परमेश्वर का वो आदेश हमारे लिए, हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो वो प्लान चालू हो जाती है। तीसरे अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारी कैपेबिलिटी हैं, परमेश्वर से आती हैं। 2 कुरिन्थियों 3:5, हमारी जिस तरह की भी ताकत है परमेश्वर से आती है। और अफशियों के 3:20 आयत सबसे मशहूर आयत है, परमेश्वर क्षमता रखते हैं हमारे मांगने या सोचने से कहीं ज़्यादा करने की, उस शक्ति के द्वारा जो हमारे अंदर काम करती है। शक्ति हमारे अंदर है, क्षमता परमेश्वर की है। इसमें ये दो चीज़ें हैं, क्षमता परमेश्वर की है, वो कर सकते हैं, करना चाहते हैं हमारे मांगने या सोचने से कहीं ज़्यादा। जो उन्होंने शक्ति हमारे अंदर दी है वो भी उन्होंने दी है, हमारी शक्ति नहीं है, ये शक्ति है पवित्र आत्मा परमेश्वर। जब हम उस शक्ति को लेना चाहते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रार्थना के द्वारा ही होगा। वो शक्ति जैसे हमने पहले देखा उत्पत्ति के अध्याय में, वो शक्ति परमेश्वर के वचन, और वचन को हम चलाते हैं प्रार्थना द्वारा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो होगा, तभी वो होगा। यशाया नबी के 40वें अध्याय के अंदर 31वीं आयत में लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। बाट जोहना क्या है? बाट जोहना प्रार्थना करना ही तो है, उसके सामने चलना ही तो है। वो मुकाबों के समान उड़ेंगे, नया बल प्राप्त, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, ईगल्स की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, काम करेंगे किसी तरह की थकावट नहीं होगी। थकावट फिजिकल नहीं है, ये आत्मिक थकावट भी है, हर तरह की परेशानी है इसमें। हम बल पाते हैं परमेश्वर से ताकि हम उसकी क्षमता के अंदर, उसकी क्षमता फिर हमारे अंदर काम करती है, हमें नया बल मिलता है, हम नए बल मिलने के बाद में आगे और प्रोग्रेस करने लग जाते हैं, हमारी प्लान्स जो है वो पूरी होने लग जाती है। तो हमने 4 चीज़ें देखी है, परमेश्वर का साथ होना, परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना, विश्वास में चलना, और चौथा है प्रार्थना। अगर हम ये 4 पॉइंट्स को पकड़ते हैं, इनके ऊपर हमारी प्लान केंद्रित होती है, तो हमारी प्लान पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, फिर हमें वो प्लान पूरी करने में सहायता करेंगे। लेकिन हमारी प्लान फिर भी शायद उस स्थान तक ना पहुंचे जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। तो पांचवी चीज़ है, उसको भी पूरा करना जरूरी है।
तो ये जो प्लान्स और जो हम योजनाएं बनाते हैं, तो इसका पूरी तरह से फल कैसे कैसे पा सकते हैं हम? अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, पांचवा जो पॉइंट है वो है थैंक्सगिविंग, परमेश्वर का धन्यवाद करना, विश्वास के अंदर ये मान लेना कि जो मैं मांगा है वो मिल जाएगा, क्योंकि यही तो उसका वादा है, जो मांगोगे वो पाओगे। तो हम उसमें ये मान लें कि जो हमने मांगा है वो हो गया है, तो हम उसे धन्यवाद देने लगते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और उसे पूरा कर दिया है। लूका की पुस्तक के अंदर 17वें अध्याय में 11 से 19 तक एक 10 कोड़ियों का दृष्टांत है। प्रभु यीशु जाते हैं तो 10 कोड़ी बाहर से चलाते हैं कि प्रभु यीशु मेरी हमारी सहायता करो, वो उन्हें आदेश देते हैं जाओ और याजकों को अपने आप को चेक कराओ क्योंकि वो दूषित माने जाते हैं, जाओ तुम चेक कराओ, वो चले जाते हैं। अब एक उनमें से वापस आ जाता है थोड़ी देर बाद और परमेश्वर का जोर से धन्यवाद करता है, उसकी आराधना करता है, वर्शिप करता है, कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद है आपने हमें ठीक कर दिया है। प्रभु कहते हो 10 नहीं थे ठीक हुए, और ये एक ही है, और एक भी वो सामरी है जिससे कि यहूदी नफरत करते हैं। तो प्रभु यीशु उसे एक आशीष देते हैं जो हीलिंग से कहीं आगे है, वो कहते हैं तेरे विश्वास के अंदर यू आर मेड होल, WHOLE होल, संपूर्णता में उसे पहुँचा देते हैं। हीलिंग के लिए जो वर्ड ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है वो है लाओमाई, LAOMAI, वो लाओमाई वर्ड जो है उसका मतलब है शारीरिक चंगाई मिलना, उसे शारीरिक चंगाई मिल गई है। लेकिन जो यहाँ इस कोड़ी को बाद में आशीष मिलती है उसमें वचन इस्तेमाल किया गया है सेसुकन, SESOKEN, ये रूट वर्ड है सोजो के लिए, जो हमारी मिनिस्ट्री का वो भी है। सोजो का मतलब है रिस्टोर, सालवेशन एंड मेक होल, रिस्टोर जो गुम हो गया, जो पहले हमने खो दिया था उसे वापस पाना, मेक होल कंप्लीट, सब कुछ संपूर्ण कर देना, और सालवेशन है मुक्ति, हर तरह की रुकावट, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति। तो उसे वो सोजो शब्द इस्तेमाल किया गया था। कोड़ी की अगर कोड़ियों की जो तकलीफ होती है उनके हाथों के आगे के ये एजेस जो हैं वो जड़ जाते हैं, उनके अंग जड़ जाते हैं, होलनेस के अंदर उसे वो सब संपूर्णता मिलती, जो उसके हाथ के जो कट गए थे वो दोबारा आ जाते हैं, उसे जो उसने गवाया खो दिया था, परिवार ने उसको शायद छोड़ दिया होगा, परिवार उसे दोबारा मिलता है, पैसा उसने कितना खर्च किया होगा, शायद वो 12 साल के बीमार वाली जो औरत थी वो उसने सब कुछ गवा दिया था, उसे भी यही आशीष मिली, यू बीन मेड होल। उस होलनेस के अंदर फिर वो आशीष पाती है, उस होलनेस के अंदर फिर वो चलती है, और यही आशीष हमें मिलती है जब हम उसे धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, होलनेस के अंदर हम धन्यवाद देते हैं, और वो होलनेस है हमारी प्लान्स का पूरी तरह से पूरा होना। यही 5 तरीके हैं जिनके साथ हम जीत पूरी तरह हासिल करते हैं, इसके अलावा हम जीत हासिल कर ही नहीं सकते। आइए अब हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद है आपका इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए जो आपने दिया है, धन्यवाद है आपके बेटे के लिए जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है हमें शक्ति देते हैं, धन्यवाद है पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर आप हमारे चारों तरफ वो आग की दीवार हैं, हमारी सुरक्षा आपके अंदर है, और प्रभु यीशु आपकी क्षमता के अंदर जो हमें मिलती है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम हर प्लान बना सकते हैं और हम उन प्लान्स को पूरा कर सकते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर उन सब के ऊपर आपका हाथ बना रहे, जो उन्होंने प्लान बनाए हैं सुंदर प्लान आपके वचन के अनुसार वो सब पूरे हों, पूरे ही ना हों बल्कि उससे भी और आगे जाएँ, आपके नाम की महिमा हो। आपका वादा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। हम सब का जो इस सोजो एंड शलोम मिनिस्ट्री की फैमिली में बन गए हैं, जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम सब की प्रार्थनाएं आपके सामने हम रख देते हैं आपके प्यारे बेटे के नाम पर, ताकि वो सब पूरी हों, प्लान्स हमारी पूरी हों, आशीषें हमें मिलती रहें, ताकि हम सब का आनंद हो। सब कुछ हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन।
करते हैं कि आज का प्रोग्राम देख के आप अपनी योजनाएं प्लान्स दोबारा बनाएंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। आप हमारे एपिसोड्स YouTube पे भी देख सकते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारा वेबसाइट भी है, उस पे जाके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं www.sozoandshalom.com पे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगैन, एंड सी अस नेक्स्ट वीक। शलोम।